गोटेगांव से कोरोना संक्रमण को देखते हुए नरसिंहपुर कलेक्टर ने किया गोटेगांव क्षेत्र का भ्रमण। नरसिंहपुर जिले में कोरोना संकट लगातार बढ़ रहा, जिसको लेकर नरसिंहपुर कलेक्टर वेद प्रकाश ने गोटेगांव क्षेत्र का भ्रमण किया। जिन दुकानों में भीड़भाड़ थी, मास्क नहीं लगाए हुए थे, उन पर सख्ती कार्रवाई की गई। आज अनुपम माल और अग्रवाल जूस कॉर्नर बड़े पुल के पास की दुकानों को सील किया। बगैर मास्क के लोगों के चालान काटे। कलेक्टर महोदय ने सभी से अपील की सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मास्क जरूर पहने। सुबह तहसीलदार और टीआई महोदय के द्वारा कार्रवाई की, जिसमें 3 दुकानों को सील किया गया। सर, आज कलेक्टर महोदय आए थे, क्या कार्रवाई की गई है लोगों के ऊपर? आज कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय आए हुए थे, उनके निर्देशन में पूरे नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत भ्रमण किया गया और कोविड-19 गाइडलाइन जो शासन ने जारी किया है उसके उल्लंघन में जिन दुकानदारों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, बिना मास्क के ग्राहकी की जा रही है, ऐसे लोगों पर अर्थदंड की कार्रवाई हुई है और 2 दुकानें सील करने की भी कार्रवाई हुई है। सुबह भी कार्रवाई हुई थी सर, कितनी दुकानों पर कार्रवाई हुई? सुबह भी टीआई साहब और नगर पालिका के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है, जिसमें 3 दुकानों को सील किया गया है और अर्थदंड भी लगाया गया है। क्या और क्या आदेश दिए गए हैं सर कलेक्टर महोदय? कलेक्टर महोदय ने ये कहा है कि जागरूकता अभियान फैलाया जाए और लोगों को मास्क वितरण किया जाए, ताकि बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति न घूमे। कल सर बाजार है और ऐसे में बहुत से व्यापारी बाहर से भी आते हैं, उन लोगों के ऊपर कैसा क्या रहेगा? हमारी नगर पालिका की टीम और राजस्व की टीम पुलिस के साथ सहयोग करके पूरा ध्यान रखेगी। पहले तो प्राथमिकता में मास्क का वितरण किया जाएगा कि बिना मास्क के कोई नहीं घूमे, और लोगों को जागरूक किया जाएगा प्रचार प्रसार के द्वारा। खबर भारतवर्ष के लिए गोटेगांव नरसिंहपुर से कपिल नायक की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।